स्टूडेंट्स वेलकम। ट्रांसफॉर्मेशन, इन ट्रांसफॉर्मेशन आई शैल टीच यू पैसिव टू एक्टिव। इन टू वीडियोस आई हैव टॉट यू how to change active to passive. In this video I shall teach you how to change passive to active. When we change active to passive, there are some common rules. As object is written in place of subject and subject is written in place of object. Now I shall reverse this rule. Now I shall read subject in place of object and object in place of subject. In passive voice we use V power 3, but when we change passive to active we use verb according to the tense. The word by is not used in active. So now passive to active, first tense, present and definite tense. If the sentence is in passive voice and it is in present and definite tense, so to change into active we apply the rule of present and definite tense. For example, a song is sung by Radha. Now we apply the rule of present and definite tense, subject plus V power 1 plus object. Now Radha, by Radha, Radha is subject. Radha is subject according to the rule V power 1. Sings, object a song. Radha will be subject, a song will be object, verb will be used according to the rule of present and definite tense. So Radha sings a song. Now present continuous tense, the rule is subject plus is or am plus V power ing or object. The sentence in passive is the game is being played by the boys. Now the subject will be the boys. The boys according to the subject are V power ing playing, object the game. The boys are playing the game. Now present perfect tense, rule subject plus has or have plus V power 3 plus object. Now example, the food has been cooked by the mother. Subject the mother, has V power 3 cooked, the food object. So the mother has cooked the food. Now in Hindi बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया और इसके एक्टिव से पैसिव के
चार वीडियोस मैंने पीछे पढ़ा दिए हैं, उनको आप अध्ययन कर लें, वो आसान है एक्टिव से पैसिव बनाना। लेकिन अब हम इस वीडियो में पैसिव से एक्टिव बनाना सीख रहे हैं। तो अभी क्या था कि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। लेकिन अब फिर इसका उल्टा करेंगे कि जो पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। बाय शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द टेंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट एंड अपनी टेंस, प्रेजेंट एंड अपनी टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस है ए सॉन्ग इज संग बाय राधा, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। इसको एक्टिव बदलने के लिए राधा को सब्जेक्ट के स्थान में लिखेंगे, बाई हटा देंगे राधा, और बी पावर वन अर्थात सिंग्स, और ये ए सॉन्ग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे ए सॉन्ग, तो राधा सिंग्स ए सॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रूल है सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस बी पावर आई जी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द गेम इज बींग प्लेड बाई द बॉयज को सब्जेक्ट बनाएंगे द बॉयज, और बॉयज के अनुसार आर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे प्लेइंग, और फिर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द गेम, अर्थात द बॉयज आर प्लेइंग द गेम। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी पावर थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है द फूड हैज बीन कुक्ड बाय द मदर, तो द मदर को सब्जेक्ट बनाएंगे द मदर, और रूल में हैज या हैव में हैज का प्रयोग करेंगे, बी पावर थ्री कुक्ड, और द मदर हैज कुक्ड द फूड। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता, फूड हैज बीन कुक्ड बाय द मदर हैज कुक्ड द फूड। और इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट टेंस के जो तीन टेंस थे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने पैसिव से एक्टिव बनाना आपको यहां पर समझाया है। अब पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, रूल सब्जेक्ट प्लस वी पावर टू प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, अकॉर्डिंग टू रूल आई वॉज टॉट इंग्लिश बाय द टीचर, द टीचर टॉट मी इंग्लिश, आई चेंज इन टू ऑब्जेक्ट, द टीचर विल बी सब्जेक्ट, सो द टीचर टॉट मी इंग्लिश। पास्ट कंटिन्यूअस, अ रूल सब्जेक्ट प्लस बाज और वर्ब प्लस बी पावर आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, द फिश वर बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन, Now the fisherman will be subject and the fish will be object. So according to the rule, the fisherman was catching the fish. Past perfect tense, subject plus had plus v power 3 plus object. Example, a song had been sung by the woman. The woman will be subject. The woman had, according to the rule, V power 3 sung a song. The woman had sung a song. Now in Hindi, बच्चों past and definite tense में rule होता है subject plus V power 2 मतलब verb की second form plus object. Example है I was taught English by the teacher. तो अब the teacher को subject बनाएंगे, द टीचर को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे द टीचर टॉट, और आई को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे मी, आई का ऑब्जेक्टिव होगा मी, द टीचर टॉट मी इंग्लिश। नाउ
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस बी पावर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है द फिश वर बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन, सब्जेक्ट भी अब द फिशरमैन को बनाएंगे सब्जेक्ट, द फिशरमैन वाज कैचिंग द फिश। पास्ट परफेक्ट टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी पावर थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ए सॉन्ग हैड बीन सॉन्ग बाय द वुमेन हैड संग ए सॉन्ग। इस प्रकार से बच्चों हम पैसिव से एक्टिव बना लेते हैं। नाउ फ्यूचर, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस रूल सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस वी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल द मैच विल बी प्लेड बाय अस, अस विल बी सब्जेक्ट, सो सब्जेक्टिव केस ऑफ अस इज वी, वी शैल प्ले द मैच। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ए काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय मोहन, मोहन विल हैव फ्लोन ए काइट। हाँ बच्चों रूल, नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बी पावर थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जांपल ए काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय मोहन, मोहन विल हैव फ्लोन ए काइट। नाउ इंपरेटिव सेंटेंस रूल वी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लेट द डोर बी ओपेंड बाय यू, वी पावर वन ओपन, ओपन वी पावर वन ओपन, ऑब्जेक्ट द डोर ओपन द डोर, आर द शॉप शुड बी क्लोज्ड, क्लोज द शॉप। सेकेंड रूल यू आर रिक्वेस्टेड आर ऑर्डर्ड आर एडवाइज टू चेंज इन टू प्लीज प्लस रिमेनिंग सेंटेंस, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड। नाउ इन हिंदी बच्चों फ्यूचर एंड डेफिनेट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है द मैच विल बी प्लेड बाय अस, अस को जब हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे तो वी हो जाएगा क्योंकि अस का सब्जेक्टिव केस वी है, तो वी के साथ में शैल आता है, वी शैल प्ले द मैच, और द मैच को उधर ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका रूल है, मैं भूल गया था रूल लिखना, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस बी पावर थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है ए काइट विल हैव बीन फ्लोन बाय मोहन, अर्थात मोहन को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे, मोहन बाय हटा दिया जाता है एक्टिव में, मोहन विल हैव फ्लोन ए काइट। सब्जेक्ट जब लागू करते हैं तो सब्जेक्ट मोहन, फिर मोहन के साथ विल हैव, फिर बी पावर थ्री अर्थात फ्लोन, फिर ऑब्जेक्ट ए काइट। इस प्रकार से फिर इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस रूल है वी पावर वन प्लस ऑब्जेक्ट। इंपरेटिव सेंटेंस में सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होता है और बाद में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। एग्जाम्पल है लेट द डोर बी ओपन्ड बाई यू, बाई यू अपनी तरफ से लिखते हैं, लिखे अथवा ना लिखे उसे हटा दिया जाता है, तो ओपिंड की फर्स्ट पार ओपन, ओपन द डोर ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल द शॉप शुड बी क्लोज्ड, तो इसका वर्ब की फर्स्ट पार क्लोज है और ऑब्जेक्ट है द शॉप, तो क्लोज द शॉप। उसके बाद यू आर रिक्वेस्टेड ऑर्डर्ड एडवाइज टू को प्लीज में चेंज करते हैं प्लस रिमेनिंग सेंटेंस लिखते हैं, अर्थात यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड, प्लीज वर्क हार्ड।
इस प्रकार बच्चों आज संक्षेप में मैंने आपको पैसिव से एक्टिव में बदलना सिखाया। ट्रांसफॉर्मेशन में इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना आपको सिखा दिया है, और विशेषण अध्ययन के लिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के जो चार वीडियोस पढ़े हैं उनको विधिवत पढ़े तो आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना आ जाएगा। और पैसिव से एक्टिव के लिए आज जो मैंने आपको सारे रूल्स समझाए हैं उनको यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। बच्चों इसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव के एग्जाम्पल्स मैंने नहीं दिया है, और अब तक जो अध्ययन किया है उनके माध्यम से आप आसानी के साथ निगेटिव को भी पैसिव से एक्टिव में बदल सकते हैं और इंट्रोगेटिव को भी बदल सकते हैं। यदि आप लोग कमेंट में लिखेंगे कि निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ा दीजिएगा तो वो किसी वीडियो में पढ़ा दिए जाएंगे। वैसे मैं समझता हूँ कि सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू।